यो व्हाट्सअप गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एमएफ इंडी। तो गाइस यहां पे देख सकते हो स्पोर्ट अवेकन हो चुका है हमारा, ट्रांसेंडेंस हो चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसको बिल्ड कैसे करना है, लाइक आइसोएट कौन सा देना है, उरू कौन सा देना है, या फिर ऑब्लेक्स कौन सा, या फिर सीटीपी कौन सा देना है, और डिस्कस करेंगे कि ये कितना अच्छा है, मतलब इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखा है तो चलो मैं आपको गेम प्ले दिखाता हूँ इसका वर्ल्ड बॉस लेजेंड में, और इसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि ये फ्री में मिला, ऑलमोस्ट मान लो कि फ्री में मिल रहा है। अगर आप पूरे के पूरे 14 दिन तक टोकन कलेक्ट करते हो, 700 टोकन कलेक्ट करते हो और 50 टोकन से इसका बायोमेट्रिक लेते हो, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा इवेंट से। हाँ, यहाँ पे मैं वर्ल्ड बॉस आपको 0% से भी क्लियर करके दिखाऊंगा, वर्ल्ड बॉस लेजेंड 0% से ये क्लियर कर पाएगा या नहीं, स्टेज 9 करके दिखाऊंगा। पहले यहाँ पे पियर्स वाला देख लेते हैं, पियर्स वाला डैमेज कितना है इसका ये देख लेते हैं, स्टेज 39, उसके बाद में हम खेलेंगे 0% पियर्स से। तो यस, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं टीम में, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन गोब्लिन लीडरशिप है और टास्क मास्टर यहाँ पर हमने लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम विलन को यूज़ कर पाएंगे, तो ग्रीन गोब्लिन इसको अच्छा सपोर्ट एंड लीडरशिप देगा। तो यस, इसका रोटेशन, सबसे पहले रोटेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे 6 और 3 4 5 करना है, तो थोड़ा सा अगर चाहो तो डिले कर सकते हो 6 स्किल में, अच्छा रहेगा। शुरू में हिट नहीं है तो आराम से आप इसको डिले कर सकते हो थोड़ा सा, उससे क्या होगा कि जैसे ही स्कॉर्पियन हिट करने लगेगा, हाँ मतलब इसके अवेकन स्किल में स्कॉर्पियन आता है, तो जैसे ही स्कॉर्पियन हिट करने लगेगा फिर आपका पूरा का पूरा स्किल का हिट होने लगेगा एक साथ में, तो चैन हिट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा या सुना कि इसका स्किल काफ़ी अच्छा है, रोटेशन काफ़ी अच्छा है, 6 डिले कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 करना है, और फिर उसके बाद में 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 करना है, उसके बाद में 2-1 करना है, ठीक है। तो प्रॉक फ्रेंडली है, आप इसको बेस्ट रहेगा सीटीपी ऑफ एनर्जी दे दो, अगर आप सीटीपी देना चाहते हो तब की बात है, और अगर नहीं देना चाहते तो ऑब्लिक्स लगा लो डैमेज प्रोक वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे 120 का प्रोक ऑब्लिक्स लगाया है, हालांकि और ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन नहीं आ रहा था, 120 का ही आया था, तो इसलिए मैं 120 से काम चला रहा हूँ, यहाँ पे एक गेम प्ले कर रहा हूँ। तो यस, इसको आप ऑब्लिक्स या फिर सीटीपी में कुछ इस तरह से दे सकते हो, एनर्जी या फिर ऑब्लिक्स डैमेज प्रोक वाला। हाँ, गार्ड ब्रेक अगर चाहो तो दे सकते हो सीटीपी ऑफ डिस्ट्रक्शन, बट ज़रूरत नहीं है, लाइक इसके थर्ड स्किल में काउंटर अटैक पेनिट्रेशन वगैरह है तो डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये गार्ड ब्रेक भी नहीं होता, इसके पास इनविंसिबिलिटी है इसके 5 स्किल में। तो यस, ये तो हो गया ऑब्लिक्स के बारे में। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो 32 सेकेंड यानी कि 3 मिनट 32 सेकेंड बचे हैं और इसने फर्स्ट फेज क्लियर किया है स्टेज 39 का। तो अगर डैमेज वाइज देखा जाए तो ये अच्छा है, लाइक इसको बुरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो अभी इसका यूनिफॉर्म भी नहीं है, फर्स्ट ये अभी आया है, तो और 70 कैरेक्टर भी है अवेकन, और 70 कैरेक्टर है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और इतना तगड़ा बिल्ड भी नहीं है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डैमेज काफ़ी अच्छा है। आपको यूनिफॉर्म का खर्चा भी नहीं लगेगा, लाइक क्रिस्टल भी नहीं देना है, बस सिंपली आपको इसको टोकन से कलेक्ट करना है, इसका बायोमेट्रिक लेना है, और इसको मेगा 6 स्टार टिकट, और इसके बाद में मेगा टीयर 2 टिकट यूज़ करके टीयर 2 कर लेना है, और फिर इसको अवेकन कर देना है। तो हाँ, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छा डैमेज है। अभी अगर आप बोलोगे तो टीयर 4 का ज़माना है, लेवल 80 का ज़माना है, तो फिर भाई कोई सेंस ही नहीं बनाता टीयर 3 कैरेक्टर या फिर अवेकन कैरेक्टर का। कैसे हम डिसाइड करें कि कौन सा टीयर 3 कैरेक्टर या फिर कौन सा टीयर अवेकन कैरेक्टर अच्छा है, लाइक सीधा कंपैरिजन हो जाता है लेवल 80 टीयर 4 कैरेक्टर से। अभी स्पीड टाइप में अगर हमको कंपेरिजन करना पड़े, लाइक स्पोर्ट को कंपेरिजन करना पड़े किसी कैरेक्टर से, तो हम सीधा ग्रीन गोब्लिन से कंपेयर करेंगे, और ग्रीन गोब्लिन से अच्छा डैमेज है। मैंने यहाँ पे खेला है, हालांकि मैं आपको गेम प्ले में नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मैंने खेला है दोनों से, मैंने कंपेयर किया है बिहाइंड द सीन, और मुझे कहीं ना कहीं स्पॉट का डैमेज अच्छा लग रहा है, खास करके वर्ल्ड बॉस लेजेंड में, मतलब उससे ज़्यादा डैमेज कर रहा है, ग्रीन गोब्लिन से ज़्यादा डैमेज कर रहा है। हालांकि मेरा वाला ग्रीन गोब्लिन थोड़ा पुराना वाला है, रेड गोब्लिन का यूनिफॉर्म मैंने नहीं लिया है, बट रेड गोब्लिन और ग्रीन गोब्लिन में भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ABX में बहुत ज़्यादा फर्क है, और वर्ल्ड बॉस में लगभग सिमिलर है। तो हाँ, ये जो अभी आपको दिख रहा है ग्रीन गोब्लिन, इससे बेटर है स्पॉट डैमेज वाइज, अगर डैमेज देखा जाए तब की बात है, लेकिन अगर यूजबिलिटी देखा जाए या फिर खासियत देखा जाए तो ग्रीन गोब्लिन में ज़्यादा फ़ायदा है, ज़्यादा बेनिफिट है। एक तो पहली बात तो वो फ्री कैरेक्टर है, आसानी से मिल जाता है उसका बायोमेट्रिक, ठीक है, और दूसरी बात उसके पास में लीडरशिप है, काफ़ी अच्छा लीडरशिप है, ऑल अटैक और इग्नोर डॉज वाला 40% का, और उसके पास में सपोर्ट बॉब भी है। तो यस, काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला कैरेक्टर है ग्रीन गोब्लिन, और वहीं पे स्पॉट सिर्फ अच्छा डैमेज है थोड़ा सा लाइक ग्रीन गोब्लिन के कंपैरिजन में,
और थर्ड स्किल में काउंटर अटैक आई फ्रेम इग्नोर है, लेकिन अभी ये सब टाइमलाइन बैटल में इतना काम नहीं कर रहा है, इतने से नहीं होगा। डैमेज रिडक्शन चाहिए, दुनिया भर का हील चाहिए, बहुत सारा इफेक्ट होना चाहिए टाइमलाइन बैटल में सर्वाइव करने के लिए। टीयर फोर कैरेक्टर आ रहे हैं भाई, एडम आ रहा है, जिनग्रे आ रही है, हल्क आ रहा है, स्पाइडरमैन आ रहा है, उनके सामने ये नहीं टिक पा रहा है टाइमलाइन बैटल में, ठीक है। तो ऐसा अगर आप देख के चलोगे कि थर्ड स्किल में काउंटर अटैक ये सब है तो बात नहीं बनेगा। हाँ, काउंटर अटैक ना होके आई फ्रेम इग्नोर डायरेक्ट होता तो वो कुछ अलग बात हो जाता, कुछ हो सकता, कुछ और इफेक्ट करता। बट काउंटर वाला जो अटैक आई फ्रेम वाला इग्नोर वाला होता है ना, काउंटर करके उसके बाद में आई फ्रेम इग्नोर मिलेगा, पेनिट्रेशन मिलेगा, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है, उसमें उतना मज़ा नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें भी इतना मज़ा नहीं है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेज 39 40 सेकेंड बाकी है और इसने कंप्लीट कर लिया। तो हाँ, डैमेज वाइज काफ़ी अच्छा है, लाइक बहुत अच्छा है। अरे भाई, टीयर फोर का ज़माना है यार। विलन, हाँ ये है कि देखो यहाँ पे विलन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है तो फिर आप यूज कर सकते हो। चलो अब हम यहाँ पे 0% टीयर से मेफिस्टो खेल लेते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले कार्ड इफेक्ट से मेफिस्टो खेलेंगे स्टेज 9। क्या ये कर पाएगा, लाइक अगर आप नए प्लेयर हो, ठीक है, आप अभी अभी 2-4 महीना हुआ है आप ज्वाइन किए हो और अभी मौका मिल रहा है आपको इसका बायोमेट्रिक लेने का, तो क्या आप इसको बिल्ड करके वर्ल्ड बॉस लेजेंड खेल सकते हो। लाइक यहाँ पे आप देखो 0% से मैं खेल रहा हूँ और बिल्ड भी बहुत सिंपल सा है, ऑब्लेक से 120% का, और इसको मैंने उरूज दिए हैं फिजिकल अटैक वाला। यस, फिजिकल डैमेज वाला कैरेक्टर है, फिजिकल अटैक वाला मैंने उरू दिया है। कल वाला लाइव स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने बिल्ड किया था लाइव, तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैंने क्या देख के कैसे इसको बिल्ड किया है एंड हाउ टू बिल्ड अ कैरेक्टर का। अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो मेरा वीडियो आएगा, एमएफएफ इंडिया आगे लिख देना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे बिल्ड करना है कैरेक्टर को। लाइक अगर आप अलग अलग वीडियो देखना चाहते हो तो आइसोवेट का गाइड वीडियो मैंने डाला है, उरू का गाइड वीडियो डाला है, ऑब्लेक्स का गाइड वीडियो डाला है, मतलब एक प्लेलिस्ट ही मैंने डाल दिया है बेस्ट फॉर न्यू प्लेयर का, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना बेस्ट फॉर न्यू प्लेयर का, इसमें मैंने ज़रूरत वाले जितने भी इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पे, सारे के सारे टॉपिक पे वीडियो बना दिया है। एक नए प्लेयर को जिस चीज़ के बारे में जानना रहता है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो स्पॉट का परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है। हाँ, मतलब स्टेज 9 है 0% पीएस के हिसाब से। हालांकि देखो, जिसके पास 0% पीएस रहेगा वो स्टेज 9 नहीं खेलेगा, और जब तक आप स्टेज 9 पे पहुँचोगे, जब तक आप इन्वेस्ट वगैरह में पहुँचोगे, तब तक 2-4% का पीएस आ ही जाएगा, ठीक है, कार्ड पे। हाँ, मतलब एकदम से आपका बुरा ही नसीब हुआ तो वो अलग बात है, बट अगर आप स्टेज 9 तक पहुँचोगे मेफिस्टो में, तब तक आपके पास 2% का पीयर्स कम से कम आ ही जाएगा। तो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो 0% से अच्छा डैमेज दे रहा है, लाइक डिसेंट डैमेज है, बहुत तगड़े लेवल का डैमेज तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाँ इतना तगड़ा भी नहीं है, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो ग्रीन गोब्लिन से बेटर है, सूरी से बेटर है, ठीक है। मान के चलो, लोग बोलते हैं ना सूरी का डैमेज बहुत अच्छा है, ग्रीन गोब्लिन अच्छा डैमेज करता है, तो उनसे भी ये बेटर है, ठीक है, उनसे बेटर है डैमेज वाइज। बट इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई, और कुछ भी नहीं है इसके पास में, ना ही इसके पास में सपोर्ट है, ना ही इसके पास में लीडरशिप है, और ना ही ये किसी तरह से आपको बेनिफिट दे पाएगा। लाइक ऐसा भी नहीं है कि स्ट्राइकर में लगाओगे तो हील ड्रॉप करेगा और ये सब, ठीक है, तो और कुछ भी नहीं है, बस एक प्रीमियम कैरेक्टर, या फिर अगर आपको नया कैरेक्टर चाहिए तो इसको आप बिल्ड कर सकते हो और इससे आप प्ले कर सकते हो, आपको निराश नहीं करेगा। जितना अच्छा इसको बिल्ड करोगे उतने हाई लेवल आप खेल पाओगे वर्ल्ड बॉस का। जैसे कि अभी मैंने 39 किया विदाउट सीटीपी, विदाउट ओडिन ब्लेसिंग्स वगैरह, तो अगर मैं इसको ओडिन ब्लेसिंग वगैरह दे देता हूँ या फिर सीटीपी ऑफ एनर्जी दे देता हूँ तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, मतलब 50-60 तक जा सकता है। हालांकि रिक्वायरमेंट का भी वहाँ पे खेल रहता है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है विलेन की या फिर स्पीड कैरेक्टर की, तो यस वहाँ पे ऐसा रहता है थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट फेज इसने क्लियर किया है, लगभग आधे टाइम से ज़्यादा ले लिया। हाँ, मतलब ऐसा कभी कभी हो जाता है, थोड़ा 10-15 सेकंड जल्दी क्लियर हो, थोड़ा 10-15 सेकंड बाद में क्लियर हो, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, इससे पहले मैंने जब खेला था तो और जल्दी इसने लगभग 3 मिनट बचा था तभी क्लियर कर दिया था फर्स्ट फेज, ठीक है। अभी पता नहीं क्या सीन हो गया, मतलब हाँ कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया होगा इसकी लोटेशन वगैरह या थोड़ा बहुत, देखो इसका ना थर्ड इसका अवेकन स्किल ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, या फिर थोड़ा सा मान के चलो कि गड़बड़ है। अगर आप थोड़ा दूर से यूज कर लोगे इसका स्किल तो आप उसमें फंसे रह जाओगे, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर आपने अवेकन स्किल यूज किया और बॉस मूव हो गया, लाइक स्कॉर्पियन आता है ना
अगर बॉस मूव हो गया तो स्कॉर्पियन अपने जगह पे खड़े होकर ऐसे पुच्छड़ हिलाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब एक भी डैमेज नहीं होगा आपके अवेकन स्किल से। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। हालांकि मतलब अक्सर स्किल में ऐसा ही होता है कि कोई अगर बॉस मूव हो गया तो वो काम नहीं करता स्किल। तो यस, ये भी इसमें लोचा है। और एक लोचा और है कि इसका अवेकन स्किल इतना लंबा है कि आपका प्रॉक एक्टिव हो जाता है फिर से, दोबारा से अवेकन स्किल की वजह से ही प्रॉक एक्टिव हो जाता है। तो 3, 4, 5 के टाइम पे ऐसा कभी कभी हो जाता है कि 5 स्किल में अवेकन प्रोक नहीं आता है, ठीक है, प्रोक गड़बड़ हो जाता है। तो ये थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसलिए टाइम 10-5 सेकंड आगे पीछे हो जाता है। बाकी अगर आप देखो यहाँ पे तो डैमेज वाइज ठीक है, लगभग बेयरली ये अभी आई थिंक 10 बार का बचा है। और आप यहाँ पे देखो 42-40 सेकंड का अभी यहाँ पे बचा है टाइम, 40 सेकंड। और अवेकन स्किल के साथ में 3, 4, 5 एंड 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 बार का डैमेज गया है, जो कि ठीक है, डिसेंट है, इनफ है नए कैरेक्टर के हिसाब से। कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? अबे भाई भाई भाई, ये लास्ट फेज में ना ये दिक्कत हो जाती है भाई, ये दिक्कत हो जाती है। इसको मारें या फिर ये सर्कल कलेक्ट करें? ठीक है ठीक है, ओके 3, 4, 5, ओ माय गॉड प्लीज़, ओके ओके गाइस। तो यस फाइनली यहाँ पे हो चुका है क्लियर स्टेज 9, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यस, आप देखो आपको चाहिए तो आप इसका ले लो। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अभी मत लेना, लास्ट में लेना जब 700 टोकन हो जाए, कलेक्ट हो जाए, उसके बाद में आप CTP ले लो या फिर कार्ड ले लो या फिर आर्टिफैक्ट। एक आर्टिफैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं उसका अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। उसमें एक आर्टिफैक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप ले ही लेना अगर आपको कार्ड से मतलब नहीं है या फिर CTP से मतलब नहीं है।